अनुभूति परिवार की तरफ से आपका स्वागत है दीदी। थैंक आप पिछले 30 वर्षों से राजयोग की अभ्यासिका है। पिछले 24 वर्षों से आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। आपने अपने जीवन के 13 वर्ष शांति निकेतन गर्ल्स हॉस्टल में आध्यात्मिक पालना ली है, जो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा चलाया जाता है। आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सीनियर फैकल्टी मेंबर और राजयोग शिक्षिका हैं। आपने अलग अलग स्कूल, ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट हाउसेस में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी करवाए हैं। और पिछले 13 वर्षों में आपने ORC में कई इंटरनेशनल रिट्रीट्स का आयोजन और मार्गदर्शन भी किया हुआ है। तो ऐसे आपने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं दी हुई हैं। तो आज आपका विषय जो है परमात्मा के प्रति हम कैसे निश्चय बुद्धि रहे, तो इस विषय के साथ सुनैना बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम सुनते हैं सुनैना दीदी के साथ से। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ पर तो आज सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, बाकी कल तक बहुत गर्मी छाई हुई थी वातावरण में, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन भारत की कहे तो थोड़ा थोड़ा हलचल शुरू होना शुरू हुआ है। थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम राइट्स की शुरुआत हुई है अलग अलग प्रांतों में, लेकिन कल थोड़ा सा दिल्ली गुड़गांव के एरिया में ये राइट्स थोड़ा शुरू हुआ है, तो काफी ट्रैफिक जाम। तो बाबा ने तो हमें पहले ही बोला हुआ था, ये सब सीन्स और सीनरियाज जो है वो हमारे सामने आने ही वाले हैं, और इसके लिए बाबा पहले से ही प्रिपेयर करा रहे थे और हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जैसे कहा रूपाली बहन ने, निश्चय बुद्धि द्वारा हमारे अंदर साक्षी दृष्टा की जो स्थिति है वो कैसे लाया जाए, क्योंकि साक्षी दृष्टा की स्थिति, और उसके साथ साथ मैं ऐड करना चाहूंगी उपराम स्थिति, ये हमारे अंतिम समय में ये स्थिति बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारी चीजें हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहे होंगे, बहुत हलचल में होंगे, जो ऐसा हलचल जो हमारे मन को भी हिला दे, हमारे अंदर की स्थिति को एकदम धराशायी कर दे। इसलिए बाबा ने हमें यही स्थिति पहले से ही बोला है कि इस स्थिति को पहले से ही बना लो। हम सभी ने देखा कोरोना काल में वहाँ कैसा स्थिति है ये नहीं पता अभी, लेकिन भारत में तो ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन एक केस और आया है। आपको पता हो, हमारे पास ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एक छोटा सा कोविड केयर सेंटर बना हुआ है जो ब्राह्मणों के लिए विशेष है, क्योंकि 2 सालों में जो बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए थे कोविड के कारण से, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे भारत के अंदर, इसमें कई ब्राह्मण बच्चे भी विक्टिम्स बने थे। उन्हों को हॉस्पिटल में जगह नहीं, हॉस्पिटल में जगह मिले तो खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम, उनको आखिरकार हॉस्पिटल का दिया हुआ खाना ही खाना पड़ा, इस प्रकार के कई प्रॉब्लम्स आए थे। यहाँ पर ब्रिजमोहन भाई साहब ने इन सब को नजर रखते हुए यहाँ पर एक छोटा सा कोविड केयर सेंटर 50-55 के बेड्स के खुला है। तो कल एक आया सेंटर की एक बहन है नोएडा से कि कोविड पॉजिटिव है, हम आ रहे हैं। तो एकदम से शांत हो चुके थे कोविड के बारे में न्यूज़, लेकिन अब अचानक फिर से आया है तो सार दिखाई दे रहा है कि ये राइट्स के साथ साथ कोविड का भी केसेस बढ़ने वाली है। तो कहने का भावार्थ ये है कि बाबा ने ये भी बोला हुआ है, सिर्फ एक सिचुएशन नहीं लेकिन एक से बढ़कर अनेक सिचुएशन हमारे सामने आएंगे, बीमारी,
कर्मों का हिसाब किताब, संबंधों का हिसाब किताब, प्राकृतिक प्रकोप, सोशल से संबंधित कई चीजें हमारे पास आने वाले हैं, खास करके ब्राह्मण बच्चों का, क्योंकि हम लोग ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो हमें परीक्षा देनी है। तो परीक्षा देंगे माना सिचुएशन एग्जाम्स के रूप में आएंगे, और एग्जाम जो है ये परीक्षा है और हमें इसको पार करना है। तो हमें ये देखना है, बाबा देखना चाहते हैं एज अ टीचर, सुप्रीम टीचर, कि बच्चे ने पढ़ाई कहाँ तक पढ़ी है। जो बाप ने सुप्रीम टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाई है वो कहाँ तक अमल में लाया है और कहाँ तक उत्तीर्ण होने की क्षमता बच्चों में, तब जाकर के भविष्य में हमें राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो बात है निश्चय बुद्धि द्वारा साक्षी दृष्टा स्थिति। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर साक्षी दृष्टा क्या है। साक्षी दृष्टा से पहले जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस है साक्षी दृष्टा बनने के लिए वो क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लेते हैं। तो सबसे बेसिक हमारा जो प्रैक्टिस है वो है न्यारेपन की स्थिति, जिसको बाबा न्यारा और प्यारा कहते हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चे, संगम युगी ब्राह्मण बच्चे बने हैं, किस आधार से? न्यारेपन के आधार से। कलयुगी संसार से न्यारे हो गए और बाबा के गोद में बाबा के दिल के प्यारे बन गए, तभी तो हम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे कहलाए। यदि हम कलयुग के रीति रिवाज, कलयुग के लोगों के अंग संग, कलयुग के साथ ही प्यारे बने रहते तो हम न्यारे नहीं रह पाते और ना ही बाबा के दिल के प्यारे बनते। इसीलिए सबसे पहला जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस, हम घर गृहस्थ में रहते हुए, सेंटर पर रहते हुए भी जो करना है वह है न्यारेपन का अभ्यास, कलयुगी सभी बातों से न्यारापन। इसीलिए बाबा हमेशा कमल पुष्प का एग्जाम्पल देते हैं, सभी को पता है कमल पुष्प का सारा परिवार कहाँ पर है, कीचड़ के अंदर, सब कीचड़ के अंदर, बहुत बड़ा सा नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन कमल उस कीचड़ के ऊपर पानी से भी ऊपर खिला हुआ है। लेकिन वो कीचड़ ना हो तो कमल भी ना हो, कीचड़ है तभी कमल सर्वाइव कर पा रहा है, कमल का पुष्प, राइट। यदि कीचड़ में अपना जड़े नहीं फैलाया तो कमल पुष्प खिलेगा कैसे। हमारे पास एक छोटा सा स्थान है जो गार्डन गार्डन का देखभाल करता है भाई, वो कहता है कि हम ना यहाँ पर कमल खिलाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारे कीचड़ चाहिए। तो मैंने कहा कमल के लिए कीचड़ चाहिए, सिर्फ पानी में डाल दो बीज। बोला बहन जी नहीं, कमल के लिए कीचड़ ही चाहिए, है ना। ये संसार चाहे जिस इस संसार में सतयुग भी है तो कलयुग भी है, तो संसार तो संसार ही है ना, चाहे पुराने दुनिया हो चाहे नई दुनिया हो, तो दुनिया में तो हमें रहना है। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में जो कीचड़ है इसमें रह करके मुझे कमल फूल समान बनना है। ये कलयुगी संसार चाहिए कमल फूल समान बनने के लिए, तो उसकी विधि है न्यारा बनना। तो न्यारा किससे बनना है? सबसे पहला जो बाबा के महावाक्य है, बाबा ने तीन बातें कही है। पहला, न्यारा हमें बनना है अपने शरीर के भान से, देह के भान से न्यारा बनना है। देह का भान माना कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, कि मैं हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, पतली हूँ, मोटी हूँ। आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गया है, पतले होना है, उसके डाइट वगैरह काफी, ये सब कॉन्शियसनेस हेल्दी रहने के लिए करना वो अलग चीज है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस। तो न्यारापन अपने देह से, देह के भान से, देह के अभिमान से। देह के भान और देह के अभिमान में अंतर है। देह का भान माना कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी, मेरा बॉडी है, ये मेरा बॉडी है। अहंकार, देह का अहंकार माना मैं,
मैं जो कहूँ ईगो इसमें आ जाता है, मैं जो कहूँ वो राइट है, मैं बड़ी हूँ सबसे, मैं सीनियर हूँ टू जूनियर है, मैं राइट हूँ, बॉस इज ऑलवेज राइट, मैं बॉस हूँ, तो ये अभिमान, तो इससे न्यारा, जितना जितना मैं अपने शरीर से न्यारा होंगी तो शरीर के अभिमान से भी न्यारा होंगी। तीसरा दूसरा है, एक तो शरीर के भान से न्यारे, शरीर के अभिमान से न्यारे, दूसरा है शरीर के देह के संबंधों से न्यारे, मेरे लौकिक संबंध, मामा चाचा काका भाई बहन, इससे न्यारे। बाबा ने अपने लौकिक संबंधियों के साथ रह करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिए। गृहस्थ तो थे ना, बाबा ने अपने गृहस्थ को आश्रम बनाया, कैसे कैसे न्यारे रहेंगे अपने संबंधों से, संबंधियों से, लौकिक से। बाबा हमेशा कहते हैं लौकिक को अलौकिक बनाओ, जितना जितना हम अपने लौकिक संबंधियों को अलौकिक नातों से बात करेंगे, अलौकिक दृष्टि से देखेंगे, भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि से देखेंगे, तो उतना उतना मेरा जो लौकिक संबंध है वो अलौकिक बनता जाएगा और संबंधों से मैं न्यारी होती जाऊंगी। बाबा ने यही अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया? जशोदा जो बाबा की, बाबा माना दादा लेखराज की युगल थी, उनको, उनके लिए बाबा का यही अभ्यास था। जशोदा आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। दादा लेखराज का बेटा नारायण, नारायण आत्मा है। पुट्टू उनकी बेटी, पुट्टू आत्मा है। बार बार लिख लिख करके ये अभ्यास करते थे बाबा, इतना अभ्यास करते थे, इतना अभ्यास करते थे कि आखिरकार जब साथ में फैमिली में मेंबर्स के साथ बैठे थे, लोगों को वाइब्रेशन ही नहीं आता था कि ये फैमिली के साथ बैठे बाबा की कोई संबंधी है। बाबा ना बोलने देते थे, ना महसूस होने देते थे, ना वाइब्रेशन सचमुच आता भी था। तो बाबा ने अपने देह के संबंधों से न्यारे होने का खूब अभ्यास किया, और देह से न्यारे होने का अभ्यास क्या है वो हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ हूं, पवित्र हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं नहीं, लेकिन कैसी आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, जो बाबा ने स्वमान दिया है, उन स्वमानों को बार बार अभ्यास करें। इस पर मैं आती हूँ। तीसरा जो बाबा ने न्यारा होने के लिए कहा है वो है देह के पदार्थों से न्यारे। जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, आजकल मोबाइल का बहुत जमाना है, इतना एडिक्टेड हो गए हैं, मोबाइल, टेलीविजन, वीडियो गेम, कार, मकान, दुकान, जो भी पदार्थ है, कपड़े, इनसे न्यारे, अटैच ना हो, हमें यूज करना है लेकिन ये मेरे मन बुद्धि पर हावी ना हो, इससे न्यारे। तो न्यारेपन का अभ्यास के लिए मुझे निश्चय का फाउंडेशन चाहिए। हम सब करते हैं योग अभ्यास करते हैं, योग में सबसे पहले बैठते हैं, सबसे पहला थॉट क्या आता है, मैं आत्मा हूँ, आता है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बाबा की संतान हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा सर्व शक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। लेकिन जो कुछ भी मैंने विचार में लाया, संकल्प में लाया कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, इसका निश्चय चाहिए, मैं सचमुच शांत स्वरूप हूँ, मैं हूँ ही शांति सागर की संतान, मास्टर शांति सागर। सिर्फ सोचने मात्र या बोलने मात्र ना हो, निश्चय। बाबा ने हमेशा कहा है, आप साकार मूल्यों को उठा करके देखो, बाबा ने यही बोला है, अपने आप को आत्मनिश्चय करो, जिसको बाबा ने कहा है स्व पर निश्चय, स्व पर निश्चय। और एक मुरली में बाबा ने कहा स्व पर निश्चय होने से सफलता की प्राप्ति होगी, वो तो फॉर्मूला है, निश्चय से विजय। लेकिन स्व पर निश्चय का अर्थ बाबा ने बताया, जो बाबा ने स्वमान दिए है बच्चों को, उन स्वमान पर निश्चय कि मैं सचमुच हूं ही,
मैं यही हूं, स्वमानधारी आत्मा हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है माताएं दिखाई दे रही है, हाँ, काफी उम्र वाली, अबव 50-60s में है। मान लीजिए क्या, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपके पोते, आपके बच्चे कहीं से आपके बचपन के, आपके जवानी के फोटो आपके लाके दिया कि दादी देखो ये आपका फोटो है, अरे कितना सुंदर लग रहा है, कितने दुबले पतले, कितने स्मार्ट, क्या हेयर स्टाइल, क्या ड्रेसिंग सेंस, क्या ब्यूटीफुल है दादी। तो आप उसको पकड़ के देखोगे, हाँ सचमुच वो जमाना भी कैसा था, जमाना था हम कैसे थे, क्या था, उस पर चले जाएंगे, राइट। जब कभी अपने पुराने फोटोज को देखते, हम भी जब बचपन के फोटो देखते तो वो याद आता है कि बचपन में हम कैसे खेल करते थे। तो हमको निश्चय है कि ये मैं हूं, ये मैं थी। अब शरीर बुजुर्ग हो गया है, लेकिन ये फोटो तब की थी जब ये शरीर जवान था, वो जमाना बहुत एक्टिव थी मैं उस समय, एकदम बहुत अच्छा, बढ़िया, स्पिरिटफुल। तो ऐसे ही आपने अपने फोटो को अपने से अलग नहीं किया, माना मैं और ये फोटो सेम है, राइट। ये फोटो मैं ही हूं और मैं यही फोटो ही हूं जो इस फोटो में है। ठीक इसी प्रकार, चाहे आप डॉक्टर का फोटो, आप मान लो आपके प्रोफेशन में डॉक्टर है, या वकील थे, या नर्स थे, वट एवर द प्रोफेशन आपके, आप उस समय पर थे, ऐसे मदर थे या स्टूडेंट के रूप में, ठीक इसी प्रकार से बाबा ने हमें अनेक स्वमान दिए। बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बच्चे तुम निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हो, बच्चे तुम शांति दाता हो, सुख देव हो। तो जो भी स्वमान बाबा ने दिए हैं, वो सिर्फ ज्ञान सुनने मात्र नहीं है, सुनना है हमें, वो मुझे निश्चय होना है कि सचमुच ये मैं हूं। बाबा ने ये मेरे लिए उचारे, मेरा ही टाइटल है। जब हम लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने बैठते, बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे समय निकाल करके लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने बैठो। जब लक्ष्मी नारायण के सामने फोटो के सामने बैठते तो आपको क्या विचार आता है? ये कभी विचार आया कि यही मैं हूं? आया? ये निश्चय ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय था। हम मास्टर ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा के संतान हैं, हम भी तो राजा महाराजा बनेंगे। बाबा का चलो फिक्स हो गया, मम्मा का फिक्स हो गया, बात अलग है। फिर भी बाबा मम्मा ने पुरुषार्थ की, भगवान वाच बाबा मम्मा को बता दिया गया तो भविष्य के विश्व महाराजा महारानी बनेंगे। फिर भी दोनों आत्माओं ने पुरुषार्थ किया। तो क्या जब लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने जब मैं बैठूं, क्या इस बात का निश्चय है मुझे कि सचमुच में यही मैं हूं? ये निश्चय दिखाना पड़ेगा। बाबा पांच स्वरूपों की बात करते हैं, निश्चय यही मैं हूं। तो न्यारेपन का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि साक्षी दृष्टा का जो बेसिक फाउंडेशन है वो है न्यारापन। जब तक हम न्यारापन का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम साक्षी दृष्टा हो नहीं पाएंगे, साक्षीपन की स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बार बार अपने शरीर से न्यारा, और वो कैसे, स्वमानों पर निश्चय करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सचमुच मेरे मेरे अंदर भगवान के सर्व शक्तियां समाई हुई है, वो अंदर से अनुभव करो, है शक्तियां, वो कम हो गई बात अलग है, समाई हुई है, उसको मुझे इमर्ज करना है, डिस्कवर करना है। निश्चय मैं शांति दाता हूं, शांति देने वाली हूं। कई बारी क्या होता है, जो देखो चार तीन बातें बताए बाबा ने और उसको मैंने दोहराया, शरीर से न्यारे, साथ साथ देहभान से न्यारे, देहाभिमान से न्यारे, दूसरा शरीर के संबंधियों से न्यारे,
तीसरा है शरीर के देह के पदार्थों से न्याय, चौथा मैं ऐड कर रही इस शरीर के इस जन्म के इस 84वां जन्म के अपने जीवन कहानी से न्यारे, अपनी स्टोरी से न्यारे, जिसको बाबा कहते हैं अपने स्वभाव संस्कार से न्यारे। कई बारी जब मैं अभ्यास करती हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, उस समय विघ्न के रूप में क्या आता है, इस वर्तमान जीवन के स्वभाव संस्कार। मान लीजिए मेरा स्वभाव संस्कार थोड़ा सा इरिटेट होने का है, थोड़ा आलस अलबेलापन का है, और जब मैं अपने मन में ये दोहराती हूँ कि मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो वो संस्कार बीच में आता है, अरे मैं कैसे हो सकती हूँ, बस बोलने मात्र बोलते, सोचने मात्र सोचते हैं, लेकिन गहरे मन के अंदर ये होता है वर्तमान में तो मैं आलस थोड़ा सा इरिटेट तो होता है। तो वो जो चीज है ना, जो मेरी कहानी है ना, कि मैं फलाने की बच्ची थी और अभी मैं ये बन गई हूँ, ये माँ बन गई हूँ, मैं माता हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, और मेरे अंदर ये इरिटेशन है, मेरे को थोड़ा सा ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो ये और इसको भी मैं होल्ड करके ले रही हूँ, और साथ साथ इस तरफ मैं अभ्यास कर रही हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, बाबा की संतान हूँ। उस समय आधा घंटे के लिए जब मैं योग करती तो ये थोड़ा सा जो स्थिति मैंने अभ्यास किया, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, बार 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 मन में इमर्ज होने के कारण से वो स्थिति आ जाती है और मुझे अनुभव भी होता है। लेकिन जैसे ही योग पूरा हुआ, व्हाइट लाइट हुई, 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर से ये मेरा संस्कार इमर्ज होता है, गुस्से का, मोह का, आलस का, इरिटेशन का, जो भी संस्कार वर्तमान में है, और ये निश्चय मेरा कम हो जाता है कि मैं शांत स्वरूप हूं। क्लियर हुई बात? क्लियर हो रहा है? ऐसा ही होता है ना, है ना? तो मुझे अपने इस पुराने संस्कार स्वभाव, जो मेरी इस लाइफ की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस लाइफ की जो कहानी है, उस कहानी के दौरान जो मेरे संस्कार स्वभाव, जिसको बाबा पुराने स्वभाव संस्कार कहते हैं, उससे न्यारे होना है। ये मेरा स्वभाव संस्कार है ही नहीं, ये रावण के संस्कार है। जब मैं कहूंगी ये मेरे स्वभाव संस्कार है, तो मेरे साथ अटैच रहता है, मेरा है ही नहीं, नहीं है मेरा। दादी गुलजार जी हमेशा एक एग्जाम्पल कहा करते थे, मुझे याद आता है, जब ORC में आते, निवासियों की क्लास कराते, एक एग्जाम्पल जरूर देते थे। दादी कहती थी कि मान लीजिए रुमाल कहीं गिरा हुआ आपने देखा, और देखा और आप चल दिए, और पीछे से किसी ने बुलाया, अरे बहन जी ये आपका रुमाल है और आपके पर्स में से गिरा है, तो क्या करेंगे आप? ऑल द वे वापस आएंगे रुमाल उठाने के लिए, या किसी को भेजेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं इस रुमाल को ना ध्यान से रखना, मैं आपसे ले लूंगी। क्यों? क्योंकि वो रुमाल मेरा है। दादी ने कहा एक छोटा सा रुमाल भी यदि मेरा हो जाता है ना, छोटी सी चीज भी मेरी हो जाती है ना, उसमें मेरा ममत्व जाता है, मेरा मोह जाता है। तो ये स्वभाव संस्कार तो बहुत बड़ी चीज है, माया है। यदि मैंने कहा ये इरिटेशन तो मेरा संस्कार है, तो जो मैंने जो एक नया संस्कार बाबा के कहने पर जो बाबा ने सम्मान दिया, मैं पवित्र आत्मा हूं, इसको तो मैंने मेरा नहीं कहा, ये पवित्रता मेरा है, मन से एक्सेप्ट नहीं किया। किसको एक्सेप्ट किया मैंने? ये पुराने संस्कार मेरा है, मन से अंदर है वृत्ति में, और जो बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा वो सिर्फ अभ्यास मात्र रह गया, वो मैंने दिल से निश्चय के आधार से एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए पुराने संस्कार छूटा नहीं। क्लियर हुई? तो जो भी समान मुझे बाबा ने दिया, उसको दिल से एक्सेप्ट करना है कि ये मैं हूं, ये मेरा ही श्रेष्ठ स्वभाव है, सत्व प्रधान स्वभाव है। इस निश्चय के आधार से
मैं न्यारापन का अभ्यास करती हूं ना, तो बहुत जल्दी ब्रह्मा बाबा के समान, एकदम कमल पुष्प के समान, कीचड़ में रहते हुए भी, संसार रूपी कीचड़ में, कलयुगी संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी मैं न्यारी रहूंगी। न्यारी माना कोई प्रभाव में नहीं आएगा। आप देखेंगे कमल फूल के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां, वो थोड़ा सा वैक्सी होते हैं, है ना, मोम जैसे कुछ टच आता है उस पर। आप पानी का एक ड्रॉप भी गिराओ ना, वो ड्रॉप के जैसे रहेंगे, वो सोख नहीं लेगा, या तो फिसल के गिर जाएगा जो पानी का ड्रॉप। तो इतना न्यारा है कि पानी का ड्रॉप भी छींटे भी गिराए तो वो छींटा कमल पुष्प का जो पेटल्स है, पंखुड़िया है, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो वैसे के वैसे रहेगा। हवा के झोंके आएंगे, फिर वो पानी पेटल से फिसल करके निकल जाएगा। तो ऐसे ही न्यारे रहेंगे। तो न्यारे रहने का अभ्यास क्लियर हुई निश्चय के आधार से, सभी एवरीवन हाथ खड़े करो जिसको क्लियर हुआ है निश्चय कि मैं हूं, ठीक है। और जितना जितना, जैसे जैसे मैं न्यारे होने का हर बात में, ये सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं है, लेकिन चलते फिरते मैं खा रही हूं खाना, बहुत टेस्टी बना है, बाबा को तो मैंने याद किया, लेकिन जब मैं खाती हूं तो मेरा अपना समझ करके खाती हूँ, वाह बहुत टेस्टी, रियली वेरी टेस्टी, इससे भी न्यारे। क्या मैं इसको ऐसे खा सकती हूँ जैसे देवी देवताएं भोग स्वीकार करते हो, देवी देवता तो खाते नहीं है, सिर्फ भासना लेते हैं। जब मैं खा रही हूं उसका स्मेल आ रहा है तो मेरे अंदर मुख में पानी आता है, भूख और बढ़ जाता है। इसको आप सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे, हम इसको बहुत साधारण रीति से ले लेते हैं, न्यारापन नहीं है। साक्षी न्यारा होकर के खाए, ये बॉडी को, इस शरीर को हेल्दी बनाने वाला भोजन है, इसमें बाबा की याद समाई हुई है। सिर्फ इस 2.5 इंच के जीभ के टेस्ट के लिए नहीं खा रहे, 2.5 इंच का जीभ है ना, इसके लिए हम ज्यादा खाते। पेट भरने के बावजूद भी यदि मेरे सामने कोई बहुत अच्छा सा डेजर्ट आ जाए तो बोलेंगे हाँ ठीक है, हम एक कटोरा खा सकते। अभी बोल रहे थे कि फुल हो गया। सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, ऐसे कई चीजों की, कपड़ों कपड़ों की बात, उससे न्यारे आप अभ्यास कीजिए। मुझे क्या चाहिए, सब कुछ मुझे मिला, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, तृप्त आत्मा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कोई अच्छी अच्छी चीज पहनना नहीं है, पहनना है सब कुछ, लेकिन न्यारे। तो ऐसे कदम कदम पर पूरे दिन भर की दिनचर्या में आप चेक करें कि मुझे किस किस से न्यारे होने का अभ्यास करना है, निश्चय के आधार से, स्वयं के निश्चय के आधार से। और स्वयं के निश्चय जो बाबा ने बोला कि बाबा के स्वमान जो दिए है, बाबा ने हम बच्चों को स्वमान जो दिए, उन स्वमानों पर निश्चय। मैं स्वमानधारी आत्माओं में साधारण नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये निश्चय, राइट। तो इस निश्चय के आधार से न्यारापन का जितना जितना अभ्यास होंगे, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं करती हूँ जो मैंने खुद ने अनुभव किया है, और माताओं को तो जो ऑलरेडी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको अनुभव हुआ है, ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन भविष्य के लिए, अंतिम समय के लिए अभ्यास जरूरी है। यदि मेरा शरीर बीमार है, और कुछ मुरली से कुछ दिन पहले मुरली में भी कहा था कि शरीर जब बीमार होता है तो खुशी होनी चाहिए, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, याद है ना सभी को मुरली। तो शरीर मेरा बीमार है, पेट में बहुत दर्द है, मान लीजिए बहुत दर्द है, क्या मैं उस समय उस दर्द से न्यारे होने का अभ्यास कर पाती हूँ? कई बार ऐसा भी होता है जब मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होती हूँ, माना बाहर मुक्तता में आती हूँ, थोड़ा सा मेरे योग का चार कम होता है और पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, या कोई भी बीमारी आती है, तो उस समय योग नहीं लगता है, वो बीमारी
शरीर की बीमारी आत्मा को पुल करती है, क्योंकि शरीर एक मिट्टी है ना, मिट्टी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी, जैसे हम अर्थिंग करते हैं ना, कोई करंट एक्स्ट्रा होता है तो हम उसको अर्थिंग कर देते, जमीन पर चला जाता है, जमीन खींच लेता है उसको, मिट्टी है ये शरीर। तो पेन जो होता है ना, आत्मा को पुल करती है, वो न्यारे नहीं होने देते, बार बार ध्यान जाता है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कई बार बाबा याद नहीं आता, दर्द, शरीर का दर्द, शरीर की बीमारी याद आती है। इसीलिए न्यारा, शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कीजिएगा। मैं आजकल जब भी इस तरह से पेन उठता है, जब भी उस समय मैं अभ्यास करती हूँ, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, ये बीमारी शरीर को है, मुझ आत्मा को नहीं है, निश्चय मैं अलग हूं, मैं मालिक हूं इस, सचमुच में मैं अलग हूँ शरीर से, शरीर को पेन है, मुझे नहीं, ये अभ्यास। और जितना जितना ऐसा बार बार, क्योंकि न्यारेपन का अभ्यास फाउंडेशन है, राइट, साक्षीपन का, तो मैं साक्षी हो पाऊंगी। और साक्षी माना सिचुएशन कितना भी हलचल वाले हो, सिचुएशन, व्यक्ति मेरे सामने, व्यक्ति कितना भी मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, मुझे सुना रहे हो, मुझे अपने अपने फेशियल नेगेटिव एक्सप्रेशन दिखा रहे हो, उस समय मैं उन सब दृश्यों को साक्षी होकर के देख पाऊं, यह है साक्षी दृष्टा स्थिति, राइट। तो पहले कहा, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए न्यारेपन का बार बार अभ्यास स्वयं के निश्चय के आधार से, और दूसरा इस साक्षीपन की स्थिति के लिए मुझे एक तो बाप पर निश्चय, दूसरा ड्रामा पर निश्चय, तीसरा परिवार पर निश्चय, चारों ही निश्चय आ गया। कैसे? पहली बात, बाप पर निश्चय माना, बाबा ने एक महावाक्य उच्चारा हुआ है, बाबा ने कहा, बच्चे बाप को साथी बनाओ तो तुम साक्षी दृष्टा बन जाओगे। तो बाबा ने दो शब्द को उपयोग किया, साथी और साक्षी। उसमें आगे बाबा ने कहा कि बच्चे सिचुएशन के अंदर, परिस्थिति के अंदर बार बार बाबा को भी याद करते हैं, खास करके माताएं, हाँ बाबा मेरे साथी है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी, बाबा आ जाओ, और फिर भी मुख से बोल रहे, मन से सोच रहे हैं, फिर भी बाबा को साथी नहीं बना पाते। मन में यही बार बार, जिसको बाबा कहते हैं मंत्र के रूप में, अजापा जाप के रूप में, यही बोलते रहते हैं, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, लेकिन अंदर बुद्धि में सिचुएशन के बारे में सोच चल रहा है, कैसे डील करो, अरे बाबा, अरे बाबा, फिर बोलने मात्र नहीं, ये बाप पर निश्चय हो कि सचमुच बाबा मेरा साथी है, बाबा ने कहा हुआ है, आप दिल से बुलाओ, बाबा साथी आ जाओ, और बाबा दिल से बुलाया हुआ वो निमंत्रण, प्यार से बुलाया हुआ वो निमंत्रण, सच्चे दिल, साफ दिल से बुलाया हुआ वो निमंत्रण स्वीकार न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा बंधायमान है, बाबा को आना ही होगा, लेकिन वो उस बात का निश्चय हो कि बाबा मेरे साथ है, मैं, मेरा दिल सच्चा है, इस बात का निश्चय हो, भगवान मेरा साथी है। हम डाउट भी करते रहते हैं अंदर ही अंदर कि बाबा पता नहीं कैसे होगा, अरे पता नहीं क्या होगा, क्या बाबा को आपने बुलाया निश्चित रूप से अच्छा होगा, बाबा जरूर मदद करेगा। बाबा ने उस मुरली में कहा है कि बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं और साथ साथ खुद ही उस सिचुएशन
वो डील करते रहते हैं, उस परिस्थिति को ही खुद ही सामना करते रहते हैं, बाबा का यूज नहीं करते। बाबा साथ में बैठा हुआ देखता रहता है, अरे खुद ही बच्चा कर रहा है तो पिता तो बैठ करके देखेंगे ना। उस समय बाबा बैठ करके मुस्कुराता है और बाबा साक्षी हो जाता है और देखता रहता है कि बच्चे कैसे डील कर रहा है। तो बाबा पर निश्चय, मैंने दिल से बाबा को पुकारा है तो बाबा जरूर आएगा और इस सिचुएशन को ठीक करेगा। सिचुएशन ठीक हो ना हो, मेरे मेरा जो मन की स्थिति है वो बाबा कभी भी हलचल में आने नहीं देगा कि सपोर्ट मेरा बाबा है। सिचुएशन ठीक होना ना होना ये ड्रामा अनुसार है, कई बार ठीक भी होता है, कई बार नहीं भी ठीक होता है और उसमें भी राज समाया हुआ है। और ये बात आती है ड्रामा पर निश्चय की। हम हमेशा चाहे कि ठीक ही हो, इट्स नॉट नेसेसरी। ड्रामा अनुसार जो सीन चल रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है, ये निश्चय। निश्चय उस समय अकल्याण दिखाई दे रही है मुझे, अकल्याण दिखाई दे रही है, लेकिन समय के गुजरने के बाद मुझे समझ में आएगा स्पष्ट रूप से कि क्या कल्याण था। सचमुच यदि वो घटना नहीं घटी होती, वो सिचुएशन, वो व्यक्ति इस प्रकार से क्रिएट नहीं करते होते सिचुएशन, तो मैं इतने आगे नहीं बढ़ती। सचमुच मैंने अनुभव किया है, आप लोगों ने भी जरूर कहीं ना कहीं जीवन में अनुभव किया होगा। तो ये पाप पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय। बाबा साथी है, सब ठीक कर देगा, ठीक कर देगा माना, मेरे मन को शांत करेगा, संतुष्ट करेगा, मेरा साथ खड़ा रहेगा, बैकबोन बन करके रहेगा, मुझे मेरा एक बाल भी बांका नहीं करेगा उस सिचुएशन में, ये निश्चय बाप पर। और दूसरा ड्रामा पर निश्चय कि जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कल्याणकारी, ये चढ़ती कला का संगम युग है। यदि अकल्याण भी दिखाई दे रहा है ना, ये संगम युग चढ़ती कला है। सीन लग रहा है कि गिरती कला है, लेकिन अंदर ही अंदर ये चढ़ रहा है, मेरी स्थिति चढ़ रही है, निश्चय। और तीसरा जो था ब्राह्मण परिवार, हम सिर्फ ना ब्राह्मण परिवार को कहेंगे, लेकिन मैं लौकिक संबंधियों को भी, लौकिक परिवार को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। कोई भी आत्मा, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय का मतलब क्या है, हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है, वे संस्कार अनुसार अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वो संस्कार जो एक्यूरेट जो प्ले कर रहा है, दैट्स ओके। लेकिन ओरिजिनल संस्कार आत्मा की क्या है, शांति के, प्रेम के, आनंद के। इस पर मेरा पूरा निश्चय हो तो क्या होगा, उस सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में, ये चारों ही निश्चय, एक तो स्वयं पर निश्चय से मैं अपने आप से न्यारी हो जाऊंगी, बाप पर निश्चय है तो बाबा को साथी बना लूंगी, ड्रामा पर निश्चय है तो ड्रामा के इस सीन से मैं संतुष्ट होंगी कि जो हो रहा है सब ठीक कल्याणकारी। और परिवार पर निश्चय, आत्माओं पर निश्चय है, माना हर एक का संस्कार अपना अपना एक्यूरेटली ड्रामा अनुसार ये संस्कार प्ले हो रहा है, लेकिन वास्तव में आत्मा की ओरिजिनल संस्कार शांति, प्रेम, आनंद। तो मैं उन आत्मा के वर्तमान संस्कार को ना देख करके, जो नेगेटिवली प्ले हो रहा है उसको ना देख करके, मैं ट्रांसपेरेंट होकर के, पेनिट्रेट करके, मैं उन आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार है उसको देखना शुरू करूंगी। यही चारों ही निश्चय के जो स्थिति है, ये उस सीन से मैं साक्षी होने की क्षमता, समर्थी प्रदान करते हैं, राइट? साक्षी हो जाऊंगी। साक्षी होना माना उस सीन में रहते हुए हलचल में ना आना, उस सीन के नेगेटिव बातों को मन में ना लाकर
यही मन में रहना कि ये तो ड्रामा चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, बाबा मेरा साथी है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। ये है साक्षी दृष्टा, हट करके देखना, एक स्टेप ऊपर उठ करके ऊपर से नीचे देखना, ये है साक्षी दृष्टा। क्लियर? और ये साक्षी दृष्टा की स्थिति एक और बाबा ने कही है, ये तीनों चारों ही निश्चय को यदि मिला देते हैं तो ये एक बहुत ऊंचा सीट बन जाता है, सीट तख्त, बैठक, बैठने का स्थान बन जाता है जो ऊंचा है। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, स्थिति, मन की स्थिति सीट के समान है और मन के अनेक स्थितियां है ना। कभी मूड खराब हो गया तो मूड का खराब होना ये भी एक मन का सीट है, थोड़ा मूड ठीक हुआ ये एक और सीट है, खुशी का, खुशी की स्थिति, शांति की स्थिति, प्रेम की स्थिति, ऐसे अलग 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 स्थितियां है मन की। जिस स्थिति में मन को बिठा लो, ठीक है, उस स्थिति की आत्मा वैसी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी आप बहुत खुश है किसी वजह से, आपकी मन की स्थिति एकदम खुशनुमा है, राइट? लेकिन अचानक किसी ने आपको कुछ दुख भरा न्यूज सुना दिया कि फलाने आपके काफी करीब के दोस्त जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है और काफी नुकसान हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, जो आपकी खुशी के सीट पर जो आपने अपने मन को या अपने आत्मा को बिठा रखा है उस मन की स्थिति से, उस स्थिति से नीचे उतर करके उस दुख की सीट पर बैठ गए, राइट? क्लियर हुई बात? तो सीट किसने बनाया? मैंने खुद ने बनाया, सोच सोच करके, हाय वो व्यक्ति इतना अच्छा, इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, तो वो खुशी की स्थिति ना, वो धीरे धीरे कैसे होगा क्या होगा करके या नीचे की सीट मैंने बना दी मन की स्थिति, और उस समय आत्मा जाके बैठ गई। तो थोड़े समय के लिए जब तक वो दूसरा न्यूज ना आए कि भाई हॉस्पिटल में अभी अंडर कंट्रोल है, वो स्थिति ठीक है, अभी कुछ ज्यादा नुकसान अभी हुआ नहीं, जब तक वो न्यूज ना आए तब तक मैं उस स्थिति में बैठी रहूंगी, राइट? और जब मैं योग में बैठती हूँ, अपने आप को कोशिश करती हूँ स्थिति से ऊपर ले जाओ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति शांति करके मैंने अपने मन से ही उस स्थिति को बनाया, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, और उसमें जाकर के मैं बैठ गई। तो बाबा ने मुरली में यही कहा कि जो स्थितियां बाबा ने दी है, चाहे साक्षी दृष्टा की स्थिति हो, चाहे बेहद की वैराग्य की स्थिति हो, चाहे वो निर्विघ्न स्थिति हो, ये सीट्स है जो मुझे बनानी है और उसमें मुझे अपने आत्मा को बिठाना है, ठीक है? तो साक्षी दृष्टा एक सीट है जिस पर बैठ करके मुझे ये सारा सीन देखना है, और ये सीट कैसे बनती है, इन चारों निश्चयों के आधार पर। सीट बन गई, मैंने उस सीट पर जाकर के बैठ गई, सिचुएशन नेगेटिव चल रहा है और मैं उस ऊंची सीट से, साक्षी दृष्टा की सीट से बैठ करके सबके संस्कार को मैं देख रही हूँ, वर्तमान का संस्कार क्या है, उस आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या होना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसा क्यों है। तो मैं नीचे सिचुएशन हलचल में है और मैं ऊपर हूँ, ये सिचुएशन मुझे अब छू नहीं सकता, ये है साक्षी दृष्टा, राइट? तो ये सीट पर मुझे बैठ करके सारा सीन देखना है, कोई भी सिचुएशन। तो ये बार बार अभ्यास के साथ होगा, और इसके लिए पहला, जो पहला मैं अभ्यास करती रहती हूं, मैं आपको अनुभव सुनाती हूं, उसके लिए अपने मन से साक्षी, अपने आप से साक्षी हो जाए। कैसे करेंगे अपने आप से साक्षी? मान लीजिए थोड़ा सा आज का दिन
या आज सवेरे सवेरे या आज शाम को थोड़ा मेरा स्थिति थोड़ा ठीक नहीं, स्थिति माना सीट, जो ऊपर की सीट है ना वो थोड़ा नीचे की सीट में मैं आत्मा बैठ के थोड़ा ठीक नहीं है, और उसको उस सीट को ऊपर उठाने में, स्थिति को ऊपर उठाने में थोड़ा मेहनत लग रहा है, तो मैं क्या अभ्यास करती हूँ, ये अभ्यास करती हूँ कि ये जो स्थिति चल रही है मेरी, मान लो थोड़ा सा मन ठीक नहीं है या किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा संस्कारों का टकराव हो गया, बहुत सारे निवासी रहते हैं यहाँ पे, कई अलग अलग संस्कार वाले हैं, हम पुरुषार्थ में तो सब है, थोड़ा बहुत टकराव हो गया, किसी को दुख दे दिया, किसी से दुख ले लिया, कुछ बात उसको नहीं समझ आए, मैं समझाना चाह रही हूँ तो नहीं समझना चाह रहे, वट एवर जो भी सिचुएशन होता है, तो उस समय पर मन थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ उस समय मैं देखती हूँ कि ये मेरा वर्तमान पुरुषार्थी की स्थिति है, ये जो सुनैना जिसको मैं देख रही हूँ ये मेरा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये जो मन की स्थिति चल रही है ये मेरी ओरिजिनल स्थिति नहीं है, मेरी ओरिजिनल स्थिति है मैं अपने आप को अपने से अलग उठता हुआ देखती हूँ, मेरा फरिश्ता स्वरूप, और उस फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करती हूँ मन में, बाबा के सामने वतन में मेरा फरिश्ता स्वरूप एकदम डिटैच, एकदम कंप्लीट स्वरूप है, मन एकदम हायर स्टेज पर है, मन भी लाइट, बुद्धि भी लाइट, संस्कार भी लाइट, प्योरेस्ट फॉर्म ये मैं हूं, और मैं उस बाबा के पास से, उस स्थिति से मैं इस वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप को मैं देख रही हूं, तो अपने आप से साक्षी दृष्टा, अपने मन से साक्षी हो जाइए, मैं हूं ही नहीं, मैं क्या हूं, फिर से वो निश्चय काम आता है, स्व पर निश्चय, मैं तो फरिश्ता आत्मा हूं, मैं हूं ही फरिश्ता, ये जो थोड़ा सा मुझे मेहनत लगता है, मैं हूं ही फरिश्ता, ये जो मन का खराब होना, दुख का लेना, दुख का देना, फरिश्ते का काम नहीं है, ये इस वर्तमान पुरुषार्थी जीवन का, मैं यहां से इसको देख रही, और ये ठीक हो रहा है, हो रहा है, ऊपर से मैं अपने आप को वाइब्रेशन दे रही, तो जब इस प्रकार से अपने आप को भी साक्षी दृष्टा होकर के देखो, अपने मन में, मेरे मन में क्या चल रहा है उसको साक्षी होकर के देखो, ये ऐसा क्यों सोच चल रहा है, ये सोच यहाँ ठीक नहीं, इसको यहाँ ठीक करने की जरूरत है, ये अभ्यास आप लोग भी करें, मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसा घटना घटित हो गई जिसमें कई चीजें खराब हुए, संबंध भी थोड़ा खराब होने लग रहा है, कोई बात ऐसी हो गई, कोई काम ऐसा हो गया, और कुछ गलतियां मेरी भी है, कुछ गलतियां ज्यादा गलतियां उन्हों की भी है, मैं मानती हूँ, तो वो बात बीत गई, ठीक है बीत गई, अब उस समय मैं साक्षी हो नहीं पाई, फॉर एग्जाम्पल साक्षी दृष्टा नहीं रख पाई, इसीलिए थोड़ा सा काम बिगड़ गया, मेरी स्थिति भी बिगड़ गई, लेकिन अब क्या करना है, अब बाबा के ज्ञान के कारण से, बाबा के योग की शक्ति के कारण से मुझे सेल्फ रियलाइज होता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा के बच्चों को तो अपने आप को परिवर्तन करना है ना, ठीक है लोगों की गलती है, लेकिन लोगों की गलतियों को हम पॉइंट आउट करके तो कोई फायदा नहीं, हम सब जानते हैं, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी तरफ से ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि चलो कोई बात नहीं, तो अज्ञानी था चाहे ज्ञानी था, नहीं समझ था तो मेरे को तो समझ में था, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप एक अभ्यास कीजिएगा, चलो आप साथ साथ अभ्यास करते हैं, सभी स्ट्रेट होकर के बैठो, अभ्यास कराएंगे हम, ठीक है, इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करना है, एक ऐसा सिचुएशन याद करो जो रिसेंटली या कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले घटना घटित हुई, ऐसा सिचुएशन जिसमें आप डिस्टर्ब हुए, ठीक है, आपके साथी भी डिस्टर्ब हुए, थोड़ा आर्ग्यूमेंट पर आ गए, वॉट एवर, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो गए, सिचुएशन नेगेटिव था और थोड़ा ठीक नहीं हुआ,
वो सिचुएशन भले 5 मिनट के ही रहा हो, वो याद करो। कोई घर में संबंधियों के साथ हुआ या कुछ, या आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे सिचुएशन याद करो। वो देखो, एक स्क्रीन सामने लाओ, जैसे टीवी, मेरे सामने अभी टीवी का स्क्रीन है, तो एक स्क्रीन सामने लाओ, उस पर क्या क्या हुआ उस दिन, अपने आप को भी उसमें देखो, वो व्यक्ति कहाँ खड़ा था और दूसरा व्यक्ति कहाँ खड़ा था, मैं कहाँ खड़ी थी, कौन सी बात पर वो नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुए, देखते जाओ साथ साथ क्या बात हुई। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या रहा, देखो। अन्य आत्माओं के फेशियल एक्सप्रेशन देखो, सिचुएशन, उस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर मेरे मन की स्थिति कैसे थी, क्या हलचल में था, किस तरह, कौन से संकल्प थे, आवाजें भी बहुत थी, क्या आवाजें थी, क्या नेगेटिव बातें सुनने को मिली, क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या स्थिति थी, सब देखो, रिकॉल करो, साक्षी हो, आप अलग हो स्क्रीन से, इमोशन में मत चले जाना, साक्षी होकर के देखना। देख लिया सभी ने, राइट? अब इस सीन को कंप्लीट करो, हो गया, फुल स्टॉप, स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गया। अब नया सीन आएगा, उसमें क्या देखना है, आपकी ओरिजिनल स्टेज, फरिश्ता आत्मा, आप चैतन्य फरिश्ता इस शरीर के अंदर है, और इस सिचुएशन में आपको, आपकी स्थिति एकदम डबल लाइट है, वो कैसे भी सिचुएशन है, लेकिन आप उस सिचुएशन को ऐसे फरिश्ता स्वरूप, डबल लाइट, बाबा के साथ है आप उस सिचुएशन को कैसे डील करें, देखिए उस नेगेटिव सिचुएशन को साक्षी होकर के देखो, आप अपने कंप्लीट स्टेज में हैं और उसको कैसे आप डील कर रहे हो। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखें उस समय, सेम सिचुएशन, राइट, सेम सिचुएशन, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन को देखें, क्या बातें हो रही है, क्या आवाजें आ रही है, मैं क्या बोल रही हूं, कैसे डील कर रही हो अपने फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में। चाहे बात बिगड़ी या सुधरी, मेरा मन स्थिर है, और धीरे धीरे बिगड़ी हुई बात भी सुधरती जा रही है। ये तो हुआ मेरे पास के नेगेटिव जो सीन और सिनरिया जो घटित हुई, उसको मैंने फिर से, क्योंकि देखिए जब तक कोई पेपर में मैं पास नहीं होंगी, वो बार बार पेपर आएगा, बार बार वो क्वेश्चन एग्जाम में, वो क्वेश्चन बार बार आएगा जिसमें मैं कमजोर हूँ। ये एक विशेषता है बाबा की पढ़ाई का। मान लीजिए मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, तो इरिटेशन का एग्जाम बार बार, इरिटेशन के क्वेश्चन बार बार आएंगे, और जब तक मैं अपने आप को इस इरिटेशन को ठीक नहीं करूंगी, तब तक ये पेपर आते रहेंगे, ये बात तो फिक्स है। इसलिए उस पेपर में मैं शायद पास नहीं हुई थी उस सिचुएशन में, तभी मेरे मन की स्थिति थोड़ा सा हिल गई, राइट? अब मैंने उस सीन को दोबारा देखा और इस हिसाब से देखा कि मैं हिली नहीं, मैं अपने मन को स्थिर रखी और उस सिचुएशन को डील किया। अब आगे इस प्रकार के नेगेटिव सिचुएशन आएगा तो आप क्या करोगे? अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गई,
कि अब उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। भले इसमें लिखा है सिचुएशन 25 साल पुराने हो, यूनिक हो, लेकिन वो फिर से नहीं आएगा। सेम सिचुएशन नहीं आएगा, मैं सेम सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके संस्कार की बात कर रही हूँ। उस सिचुएशन में आपके कौन से पुराने संस्कार ट्रिगर हुए? सेम सिचुएशन कभी आएगा नहीं ना। प्रश्न, एक सेम प्रश्न बार बार थोड़ा आएगा, उस प्रश्न को घुमा फिरा करके एग्जाम में आएगा। हाँ, एक साधारण सा मनुष्य टीचर भी एक प्रश्न को, सेम प्रश्न को कितना घुमा फिरा करके बच्चों को देता है। बात यहाँ प्रश्न की, सेम सिचुएशन की नहीं है, बात यहाँ पर आपके संस्कार की है, पुराने संस्कार, जिस संस्कार से आप साक्षी नहीं हो पाए उसको ओवरकम करने की। यही मैंने कहा ना, मेरे अंदर इम्पेशेंस बहुत है। मान लीजिए तो इम्पेशेंस, फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो, उसको काम जल्दी करना चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत अच्छे संस्कार है, लेकिन मैं चाहती हूं कि जैसे मैं एक्यूरेट हूं तुम भी एक्यूरेट हो। ये तो कोई, सबका अपना अपना संस्कार है भाई। हाँ, थोड़ा एक्यूरेट बनो, हम गाइड करेंगे, लेकिन मेरी चाहना है कि जैसे मैं एकदम परफेक्ट 100% एक्यूरेट हूं, फास्ट हूं, तुम भी बनो। इट्स नॉट पॉसिबल, तो मेरा संस्कार है। हम कई बार इसको अच्छे में गिनते, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी चाहना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से है, दैट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहिए ना। तो मैं ही डिस्टर्ब होंगी उससे, दूसरे डिस्टर्ब हो ना हो, मैं डिस्टर्ब होंगी। तो ये जो संस्कार है मेरी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ, तो उसकी, इस संस्कार से रिलेटेड सिचुएशन प्रश्न के रूप में आएंगे, फिर से मेरे इन पेशेंट को चैलेंज करेंगे, फिर से मेरे पेशेंट को चैलेंज करेंगे, फिर से मेरी जो परफेक्टनेस है और दूसरों से एक्सपेक्ट करने का है उसको ट्रिगर करेंगे। और जब तक मैं इसको चेंज नहीं करूंगी तब तक ऐसे सिचुएशन, इस प्रकार के अलग अलग सिचुएशंस आते रहेंगे। तो जितने भी बात हमने की, इससे ये बात आई बेसिक कि सबसे पहले न्यारेपन का प्रैक्टिस, अपने आप से न्यारे, अपने पुराने संस्कारों से न्यारे, देह के संबंधों से न्यारे, ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, हम ब्राह्मण बच्चे बन गए, ब्राह्मण बच्चे कहलाए, कई लोग इसमें पुराने भी होंगे, 10 10 साल पुराने, 12 12 साल पुराने, कई इसमें नए बच्चे भी होंगे बाबा के, जो लॉकडाउन के दौरान बाबा के बच्चे बने हों, उससे पहले बने हों, कुछ बहुत नए होंगे। एक बात ध्यान से आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ सुनने मात्र नहीं है, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत ज्यादा। हमने सुबह 1 घंटा मुरली सुन ली, शाम को 1 घंटा योग कर लिया, अमृत वेले कर ली, थोड़ा बहुत मुरली की चर्चा कर ली, क्लास सुन ली, क्या इससे हम परफेक्ट बन जाएंगे? क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा? नहीं। मम्मा बाबा दादियों ने बहुत अभ्यास किए, क्योंकि पुराने संस्कार है ना, उसको तो बहुत ठोक ठोक करके ठीक करना पड़ेगा। हम दादी रतन मुनि जी से सुनते हैं, हर बार जब हम रिट्रीट के लिए मधुबन जाते थे तो दादी यही बात, दादी रतन मोहिनी के लिए बात फेमस, दादी ने आत्मा का अभ्यास खूब किया है, खूब। आप बैठेंगे दादी के सामने, दादी अपना अभ्यास सुनाएंगे, आत्म अभिमानी स्थिति क्या है ये सुनाएंगे। हमारे दादियों ने खूब, जो 14 वर्ष की तपस्या है, जो 14 वर्ष की जो भट्टी चली है, एकांत में बैठ करके अपने पुराने संस्कारों पर खूब काम किया है, स्वमानों पर निश्चय बिठाया है, मैं यही हूं मैं यही हूँ। बगैर प्रैक्टिस हम भले ब्राह्मण बच्चे बन गए, लेकिन बाबा के दिल तख्त नशीन जो बनना है ना, वो बार बार प्रैक्टिस, बार बार न्यारेपन का प्रैक्टिस, देह से न्यारी आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं,
सोमान के प्रैक्टिस से होगा, निश्चय बिठाने से होगा। इसके बगैर देखिए ना, जरा से भी बात आती है, यदि मेरी स्थिति ठीक है तो उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन किसी रोज मेरी स्थिति उतनी ठीक नहीं है। योग का चार कम क्यों होता है? क्योंकि हमने योग को बैठक के रूप में समझ लिया है कि योग माना बैठ के योग करना। नो, चलते फिरते मेरा कनेक्शन सदा रहे, चलते फिरते। बहुत अच्छा, मैं जून के फर्स्ट वीक में माउंट आबू गई थी ज्ञान सरोवर में, एक भट्टी थी उसमें सूरज भाई ने बहुत अच्छी क्लास कराई, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत अच्छी क्लास कराई। उन्होंने कहा स्मृति निरंतर स्मृति स्वरूप के टॉपिक पर, तो उन्होंने ये कहा, हम भी यही सोचते थे, निरंतर स्मृति स्वरूप, निरंतर याद, पल पल, सेकंड बाय सेकंड बाबा की याद रहे, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है निरंतर, लेकिन दादियों ने पॉसिबल करके दिखाया। तो सूरज भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो उन्होंने कहा स्मृति स्वरूप माना सिर्फ बाबा की स्मृति रहे, ये नहीं है। स्मृति स्वरूप माना अपने सत्य स्वरूप की स्मृति। मैं कौन, दादी जानकी कहा करते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन। बाबा के वो अलग अलग टाइटल्स से याद करना, बाबा मेरा साथी है, उसका अवेयरनेस रहना, बाबा मेरा साथी है, ये स्मृति रखना। मैं कौन, भविष्य में मैं क्या बनने वाली हूँ, विश्व महाराजन बनने वाली हूँ, मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, इसकी स्मृति रखना। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं बाबा की गोद में हूँ, ये अलग अलग जो श्रेष्ठ स्मृतियां है, ये देह से न्यारे होने का मुझे मदद देता है, देह से न्यारे होने की लिए शक्ति देती है ये अभ्यास। तो स्मृति स्वरूप सदा निरंतर स्मृति स्वरूप माना, इन सब स्मृतियों को अपने मन के अंदर इमर्ज करना, मैं कौन, जो पांचों स्वरूपों के जो ड्रिल है, मैं कौन, मैं परमधाम निवासी, कभी स्मृति में रहे कुछ पल, परमधाम में मैं कैसी स्थिति थी, सत्युग में मेरा कैसा होगा रोल। अब जस्ट सत्युग के बारे में सोचो, आपका मन कितना खुश हो जाए, उसके बारे में स्मृति, ठीक है। पूज्य स्वरूप, मैं मंदिर के अंदर बैठी हुई मूरत हूं, पूज्य स्वरूप कैसे हूं, उसकी स्मृति। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, बाबा के गोद में खेलने वाली, कमल पुष्प समान, कमल आसन धारी, जिसके कदम में पदम हो, वो मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। इसमें अपने पुराने संस्कारों को इमर्ज नहीं करना है, मैं ब्राह्मण तो हूं, पता नहीं कब तक सहन करेंगे, ये मैंने क्या किया, पुराने पुरुषार्थी संस्कारों को इमर्ज कर दिया। बाबा ने ब्राह्मणों के बारे में बहुत महिमा की है, सच्चे ब्राह्मण अर्थात सच्चे योगी, सच्चे ज्ञानी, सच्चे सेवाधारी, तपस्वी, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण। आप ब्राह्मण आत्मा में जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार है ना, उसको इमर्ज करो कि ये मैं हूं, मैं ब्रह्माचारिणी, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, ये ब्रह्मा के संस्कारों पर, ब्रह्मा के कदम कदम पर मम्मा समान, मम्मा के संस्कारों को अपने में इमर्ज करके देखो। उस समय जब मैं ब्राह्मण स्वरूप को इमर्ज करती हूँ, तो सारे ब्रह्मा बाबा के मम्मा के संस्कारों को अपने में लाती हूँ कि यही मैं हूं। फिर कौन सी स्मृति रखनी है, मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट, उड़ने वाले सदा, अर्श पर, फर्श पर नहीं, ठीक है। तो ये सारी स्मृतियां सूरज भाई जी ने कहा कि निरंतर एक के बाद एक अलग अलग श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना, इसको कहा जाता है निरंतर स्मृति स्वरूप। जब इन स्मृतियों में रहेंगे, यही तो न्यारापन है ना, मेरी स्मृति, मेरा मन किसको सिमरन कर रहा है, पुराने देह के बातों को
या अलौकिक रूहानी बातों को, यदि मैंने मेरे मन में पुरानी बातों को स्मृति में लाया, उन पुरानी बातों को, कलयुगी पुराने संस्कारों को, देह के संबंधों को स्मरण में लाया, तो मैं न्यारी नहीं हूं। जैसे ही मैंने मेरी स्मृति को बाबा, अलौकिक बातें, मुरली के चिंतन उसमें ला करके रख दिया, तो मैं न्यारी हो गई इनसे, फर्ज से अर्श पे चली गई। ठीक है, तो ये स्मृति स्वरूप मुझे बनना है। ठीक है, तो ये स्मृति स्वरूप बनेंगे तो मैं साक्षी हर बात में। तो ये बार बार, जिसको बाबा कहते हैं बहु काल का अभ्यास, एक बार मैंने आज पूरा दिन साक्षी होने का, न्यारे होने का अभ्यास किया तो मैं सदा ही साक्षी हो जाऊंगी? नहीं, हमारे अंदर बहुत सारे 84 जन्म तो नहीं कहेंगे, 63 जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, दबे हुए लेयर पे लेयर पे लेयर पे। जैसे आपने देखा होगा, आपने, आप सभी ने केले का पेड़ देखा है, केले का पेड़, बनाना ट्री। आप देखेंगे, हम लोग, हमारे वहां पर, हमारा होम टाउन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वहां पर केला तो खाते हैं, कच्चा केला भी, इसको पका के खाते, कई जगह पका हुआ केला भी खाते हैं, केले के पत्ते को भी यूज करके खाते हैं, और केले का पेड़ भी ऐसा आता है जो खाने लायक है, इससे बहुत आयरन मिलता है। केले का पेड़ भी जब कटते हैं ना, केले का पेड़ भी अलग तरीके से बना करके खाते, उसको स्लाइस बना करके, या जैसे भी उसके पकोड़े भी बनते। आप यदि देखेंगे, केले के पेड़ को यदि आप काटते हैं ना, उसका लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर होता है। एक लेयर निकाल दिया, उस पर एक लेयर निकाल दिया, एक लेयर निकाल दिया, ऐसा करके एक अंदर में ना केले के जो पत्ते का रोल मिलता है आपको, बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर रोल मिलता है। फिर वो पत्ता जो है वो ऊपर जा करके वो बड़ा पत्ता बन के निकलता है। इसीलिए ये दुनिया में कहावत है, ज्ञानी जो आत्मा होते हैं ना, उसके मन के अंदर सच्चे ज्ञानी, जैसे केले के पात पात में पात, ऐसे ज्ञानी के बात बात में बात, ऐसा बोलते हैं। केले के अंदर लेयर पे लेयर जाकर के कोई बात रास निकलता है, कोई रहस्यमय जो पत्ता जो है, रहस्य पत्ता होकर के निकलता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा के हर बात में रहस्य होता है, ऐसे कहा जाता है। केले का मिसाल, केले के पेड़ का मिसाल देते हैं। तो मैं क्यों कह रही हूँ, केले का मिसाल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब केला लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर जब अंदर जाता है, तो वो अंदर में वो ओरिजिनल जो पत्ता है ना, वो रहता है। ऐसे ही मुझ आत्मा ने 63 जन्म से कई कर्म विकर्म, पाप कर्म, कई संस्कार, ओल्ड संस्कार का लेयर बना बना करके, बना बना करके मेरे ओरिजिनल जो संस्कार है आत्मा के, उसको अंदर कोर में डाल दिया है। उस तक पहुंचना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको बार बार अभ्यास के साथ, और जब मैं अभ्यास करूंगी एक लेयर निकल जाएगा तो हम सोचेंगे हाँ मेरा ठीक हो गया, दूसरा लेयर भी तो है, उसके लिए और अभ्यास चाहिए। ये अभ्यास किया और अंदर गहरे गए, और तीसरा है, चौथा है, ऐसे कई हजारों लेयर्स इसको निकालना होगा। ये बार बार अभ्यास से होगा, बार बार अभ्यास से। ठीक है, तो न्यारेपन का अभ्यास, फिर साक्षी दृष्टा बनेगा, फिर तीसरा स्टेप आता है उपराम स्थिति। उपराम स्थिति, उपराम स्थिति क्या है? देखिए, साक्षीपन की स्थिति में मैं अभी इस सीन पे हूं, और इस सीन से एक स्टेप ऊपर होकर के मैं देख रही हूं। ठीक है, दैट इज साक्षी दृष्टि, दृष्टा। और ये मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहे, मेरे मन की स्थिति को प्रभावित नहीं कर पा रहे। जस्ट लाइक कमल पुष्प समान कीचड़ के अंदर रहते हुए भी मैं साक्षी होकर देख रही हूं, न्यारा हूं। उपरा मीन्स मेरा मन सदा ही ऊपर, आराम की स्थिति में है, ऊपर ही है, बाबा के साथ ही है।
लास्ट लास्ट में ब्रह्मा बाबा की कहानी यदि आपने सुनी होगी, दादियों ने ये सुनाया था, हमारे बड़े अभी भी सुनाते हैं। लास्ट लास्ट के स्टेज पर जब बाबा कर्मातीत अवस्था की तरफ जा रहे थे, पहले बाबा ब्रह्मा बाबा को सेवा समाचार सुनना बहुत पसंद था। बच्चे तुमने क्या किया, कैसे की, क्या की, डिटेल में सुनाओ, पत्र लिखो। लेकिन लास्ट लास्ट में बाबा बस बोलते थे सार में सुनाओ, क्योंकि बाबा इस दुनिया में थे ही नहीं। उपराम, बाबा की मन की स्थिति ऊपर। उपराम माना जैसे कि लंगर उठे की उठे, उपराम अवस्था। मन नीचे आए ही नहीं, मन इस नीचे संसार फर्श के बारे में सोचे ही नहीं, यह है उपराम स्थिति। बाबा क्या, दादी गुलजार के अंतिम समय को आप देखिए, 3 साल दादी ने हॉस्पिटल में, मुंबई में, सेंटर में बिताए, टोटल साइलेंस, टोटल साइलेंस। नीलू दीदी सुनाती, नीलू बहन जी सुनाती हैं, रिसेंटली अभी भी मिलके आई, वैसे भी सुनाती रहती है, दादी ने 3 सालों में साइलेंस में रह करके संसार में रहे ही नहीं, दादी ने पूरे विश्व की सेवा की है मन से, साइलेंस में रह करके। जिन आत्माओं को ये था कि ये मेरा काम रह गया, पूरा संपन्न नहीं हुआ, दादी के दर्शन हुए, गए और काम संपन्न हुआ। जैसे नहीं मंदिरों में जाते हैं, गुफा में माता रानी के पास, ये बहुत छोटा सा गुफा है, उसमें मंदिर है, लोग जाते हैं छोटे छोटे गुफे में, एकदम झुक करके, एकदम तकलीफ से, कहते हैं सिद्धि स्वरूप मंदिर है ये, इसमें जाओ तो सिद्धि। ऐसे ही दादी की स्थिति बन गई थी, ये उपराम स्थिति। उपराम से क्या, उपराम भी नहीं, वाणी से परे की स्थिति थी। जो लास्ट स्टेज है वो वाणी से परे की स्थिति, न्यारापन, साक्षी दृष्टा, उपराम, वाणी से परे। जब उपराम स्थिति में बाबा, जब उपराम स्थिति में थे तो कार्य व्यवहार को संभाल रहे थे, लेकिन मन ऊपर ही था, नीचे आए नहीं। इसलिए बाबा के सामने कोई इस प्रकार के प्रश्न लेकर के जाते थे ना, वो प्रश्न गायब ही होता था, एकदम शांत, जैसे कि मुझे क्या बोलना था मैं बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वो प्रश्न संसार से संबंधित था, फर्श से संबंधित था, और बाबा कहाँ पर था, अर्श पे था, उपरांत। तो ऐसे उपरांत स्थिति में जब मैं दूसरों के सामने जाती हूँ तो दूसरों को भी उपरांत स्थिति की तरफ ले जाते हैं, ये वाइब्रेशन। उपवास कहते हैं ना, उपवास माना ऊपर वास करना, ऐसे ही उपराम माना ऊपर आराम से रहना। मन सदा बाबा के दिलाराम के दिल में रहता, मन कभी नीचे आते ही नहीं, आते ही नहीं। हम क्या करते हैं योग में, एकदम आराम से फिर नीचे आओ तो संसार समाचार ये उसका वो, इसको प्राण स्थिति नहीं कहेंगे, प्राण स्थिति। फिर है वाणी से परे, साइलेंस। वाणी माना सिर्फ मुख की आवाज नहीं, मन की भी हलचल से परे, मन एकदम स्थिर शांत, जो दादी जी की अवस्था थी, दादी गुलजार जी की अवस्था थी, जिसको बाबा कहते साइलेंस की शक्ति। दादी ने साइलेंस की शक्ति का प्रयोग किया, ये सब साक्षी दृष्टा से भी ऊपर की स्थिति है। अंतिम समय में वाइब्रेशन दादी ने हर एक, अभी भी नीलू बहन कहती है जो अव्यक्त धाम जो दादी का बना है, एक बहन आई जो नीलू बहन ने बनाया, मैं हूँ बहू आपको सुनाती हूँ, बहन फिर थोड़ा सा वाइंड अप कर लेंगे। नीलू बहन ने कहा कि एक बहन आई, वो स्थान तो मैं नहीं बताऊंगी, कहा कि देखो नीलू बहन, अभी तो दादी है नहीं, जब दादी हुआ करते थे तो दादी ना छोटी छोटी बहनों की भी बात सुना करते थे, उनकी भी बात पूरी करते थे, उनकी भी इच्छा पूरी करते थे। तो कहा कि मेरा सेंटर बनना है, तो दादी ने कहा था कि तुम्हारा ना सेंटर, अभी जमीन नहीं लेना, आपको एकदम हाईवे के पास जमीन मिलेगा और बड़ा सा सेंटर बनेगा। तो दादी ने कब कहा था, 5 साल पहले, और अभी तक तो कोई मुझे मिला नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे है सेंटर बनाने का, और ये जो रेंट पर है अभी
रेंटर जो है मकान मालिक वो कह रहा है कि खाली करो खाली करो, एकदम पुश कर रहे, मैं क्या करूँ दादी। तो नीलू बहन ने कहा देख आप ना अव्यक्त धाम में जाकर के बैठो, यदि आपका दिल सच्चा है दादी सुनेगी। दादी ने अंतिम समय पर हर मन की इच्छा पूरी करके गई है, हर मन की इच्छा पूरी करके गई है। तो अभी तो दादी अव्यक्त हो गए, तो दादी की सेवाएं और विशाल रीति से चल रही है ना। जब शरीर में रहते हुए हर मन की इच्छा पूरी कर सकते, इसमें कई लंबी कहानी, बहुत सारे डॉक्टर्स की इच्छा फाइल वगैरह जो केस में अटका पड़ा था, दादी के दर्शन किए, दादी को सुनाया, दादी ने कहा ठीक होगा और वो केस जीत गए वो। ऐसे ऐसे किस्से हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ दादी के धाम पर, अव्यक्त धाम पर, सच्चे दिल से बाबा को याद करो, बाबा के साथ दादी को भी बोलो, सच्चा दिल है, ईमानदार है, साफ है, आप का नेक है इरादे, तो देखो दादी क्या कमाल करते, बाबा क्या कमाल करते। फिर वो गई, योग किया, वापस अपने सेंटर गए अपने स्थान पे। एक सप्ताह के बाद सचमुच में वो जमीन मिला हाईवे के पास। वो व्यक्ति ने वो जमीन बाबा की दूर का मतलब ज्यादा क्लोज कनेक्शन में है, दूर के संबंधित, कहा कि बहन जी हमारे को हमारी जो दादी थी वो ज्ञान में चलती थी, अभी तो है नहीं शरीर में, तो उसकी मन थी, उसका मन था कि मैं कुछ बाबा को दे जाऊं, लेकिन उनका मन रह गया, तो ये दादी चाहती थी कि ये जमीन बाबा को मिले। तो ये आज हम आपको ये कहा, तो उसको लगा कि ये पता नहीं कौन सा व्यक्ति है। नहीं, तो फिर भाई बहनों को बिठाया कि कौन व्यक्ति है देखो। फिर साथ साथ एक और व्यक्ति आया एक सप्ताह के बाद, कि वो कितने तो लाख रुपए, 5 लाख रुपए देकर के गए, कि ये, तो उसको डर लगा, बहन छोटी तो थी, डर लगा कि पता नहीं कोई इस तरह करके वो तो ना करे। तो उसने सब भाई बहनों को बताया, अरे बहन जी ये बात नहीं। उसकी तहकीकात करने में 15 दिन लग गए, कौन व्यक्ति क्या है क्या, उसका सारा बैकग्राउंड ढूंढ के निकाला, और आखिरकार वो व्यक्ति सही बंदा था और किसी कारणवश उसको कहीं ना कहीं सफल करने का था, जमीन भी मिला, मकान बनाने का पैसा भी मिला। तो कहने का भाव, हम सब भी दादी के समान पूजनीय, पूज्य स्वरूप आत्मा, ये निश्चय कि मैं हूं वो पूज्य स्वरूप आत्मा, ये साक्षी के अवस्था से उपरांत स्थिति के अवस्था से आएंगी, जिसको बाबा कई बार वैराग्य वृत्ति कहते हैं, अनासक्त वृत्ति कहते हैं। जब उपराम होंगे किसी चीज में मेरा मन नहीं लगे, इसको कि डिसइंटरेस्ट स्टेज कहेंगे ना, जब मेरे मन के अंदर वैराग्य स्थिति आएगी, तब जाकर के दूसरों के मन की इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। बाबा की मुरली है, दूसरों के मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम स्वयं वैराग्य वृत्ति बने, ठीक है? तो सबसे पहला जो फाउंडेशन है न्यारापन, उसके लिए स्वयं पर निश्चय, मैं कौन, मेरा कौन, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, हर एक आत्मा के संस्कार अच्छे हैं, सब अपने संस्कारों अनुसार प्ले कर रहे हैं, इस पर निश्चय, ठीक है? तो यही पर ही क्लोज करेंगे। ओम शांति।